Welcome back to this video. Today we will cover chapter number 14 from standard 8. Chapter number 14 is in the library. In the library. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ information दी हुई है. मतलब बहुत सारी libraries होती है ना, तो वो different different state में होती है, different places भी होती है. तो वो यहाँ पर उनकी कुछ information दी हुई है, तो हमें क्या करना है, उस chapter को अच्छे से समझना है. अब वो उस लाइब्रेरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उन्हें हमें क्या करना है, समझना है और उस चैप्टर को क्या करना है, हमें स्टडी करना है. तो लेट्स सी दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 इन द लाइब्रेरी. इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर वन कैन फाइंड सेवरल बुक्स ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट. लाइब्रेरी क्या है, एक प्लेस है और वो क्या करता है, एक ही वन कैन फाइंड, मतलब हम क्या करते हैं, किसी भी एक बुक को अगर वहाँ से चूज करना चाहे किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं अवेलेबल. इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड. वो ओनली लिमिटेड होती है क्या, नहीं, मतलब लिमिटेड होती है क्या ओनली स्कूल तक के, नहीं, एंड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, बट इट आल्सो एस्टैब्लिश्ड नेशनली. ये कैसी होती हैं, ये मतलब ओनली स्कूल्स के लिए लिमिटेड होती है क्या, स्कूल्स के लिए लिमिटेड नहीं होती, कॉलेजेस के लिए भी लिमिटेड नहीं होती और यूनिवर्सिटी के लिए भी ये लिमिटेड नहीं होती, बट ये कैसी होती हैं, एस्टैब्लिश्ड होती हैं नेशनली. कैसे रहती है, ये एस्टैब्लिश्ड रहती है कैसे, नेशनली. नेशनल लाइब्रेरीज हाउसेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स. और जो नेशनल लाइब्रेरीज हाउसेज होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट वर्क्स करते हैं द कंट्री एज वेल एज अदर नेशन. और कंट्रीज होते हैं और एज वेल एज वो अदर नेशन में भी अवेलेबल होते हैं. अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो अबाउट सम वेल नोन लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड एंड फील द नेम्स ऑफ द प्लेसेज वेयर दे लोकेटेड. अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं कुछ लाइब्रेरीज के बारे में और यहाँ पर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है. हमें क्या करना है, वो लाइब्रेरी किस जगह, किस प्लेस के ऊपर में है ना, किस प्ले उसकी स्पेसिफिक प्लेस क्या है, वो यहाँ पर हमें राइट करना है. तो फर्स्ट है द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लोकेटेड इन. अब देखो, नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है इंडिया की, कहाँ लोकेट है वो हमें बताना है. इज द इंडिया लार्जेस्ट लाइब्रेरी बाय वॉल्यूम. और ये कैसी है, इंडिया की लार्जेस्ट लाइब्रेरी है किस चीज में, वॉल्यूम में. इट इज डिजाइन टू कलेक्ट शेयर एंड प्रिजर्व द प्रिंटेड मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. और ये कैसी है, डिजाइन किया गया है, कलेक्टेड से ये शेयर करते हैं, प्रिजर्व होती है प्रिंटेड मटेरियल से, और वो प्रिंटेड मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में. तो इस लाइब्रेरी का नाम क्या है, ये लाइब्रेरी कैसी है, नेशनल में, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी है ये. और ये लोकेटेड करती है कहाँ, कोलकाता में. कहाँ है ये, कोलकाता में. नेक्स्ट है द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज अ रिसर्च लाइब्रेरी सिचुएटेड इन. अब ये कैसी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की लाइब्रेरी है और ये रिसर्च लाइब्रेरी कहाँ पर सिचुएटेड होती है, ये लाइब्रेरी सिचुएटेड होती है वॉशिंगटन में, DC वॉशिंगटन में ये सिचुएटेड है. UCA. इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी बाय द बोथ शेल्फ स्पेस एंड नंबर ऑफ बुक्स. ये क्या है, सबसे मतलब लार्जेस्ट, सबसे बड़ी लाइब्रेरी है शेल्फ स्पेस के लिए और नंबर्स ऑफ बुक्स के लिए. नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड आर्शिव कैनेडा. लाइब्रेरी एंड आर्शिव कैनेडा, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कैनेडा इज लोकेटेड इन. अब देखो ये क्या है, लाइब्रेरी है, आर्शिव करती है कैनेडा में. द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कैनेडा इज लोकेटेड इन. अब देखो ये नेशनल लाइब्रेरी कैनेडा में है, ये कहाँ जगह, कहाँ पर है, कैनेडा में तो है लेकिन उसकी प्लेस, उसका नाम क्या है, उस प्लेस का नेम है ओटावा. उसका प्लेस का नाम है ओटावा इन कैनेडा. इट वॉज ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड. ये कैसी है, ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड है और इसे बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1953. और ये किस एक्ट से बनाई गई है, पार्लियामेंट के 1953 में. इट इज टास्क्ड विथ एक्वायरिंग प्रिजर्विंग एंड मेकिंग कैनेडाज डॉक्यूमेंटरी हेरिटेज
एक्सेसिबल, और ये बनाई गई है एक्वायरिंग प्रिजर्विंग और मेकिंग कैनेडास के डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज एसिबल से। नेक्स्ट है फोर्थ, द ब्रिटिश लाइब्रेरी। ये कैसी है? ब्रिटिश लाइब्रेरी है। इस द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके, और ये नेशनल लाइब्रेरी है कहा कि यूके के। एंड इट इज सिचुएटेड इन, और ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है? लंदन में। कहाँ पर होती है ये सिचुएटेड? लंदन में। लंदन में इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इन द टर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कैटलॉग्स, और यहाँ पर टोटल नंबर्स के आइटम्स कैटलॉग्स हमें अवेलेबल होते हैं। इट हैज कवर्ड 150 मिलियन आइटम्स, और यहाँ पर कवर्ड होते हैं 150 मिलियन साइड आइटम्स इंक्लूडिंग बुक, और उनके साथ में क्या होती है? बुक्स भी होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी होते हैं, जर्नल्स भी होते हैं, न्यूज़पेपर भी, एंड म्यूजिक स्कोर भी वहाँ पर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ चाइना। ये कैसी है? नेशनल लाइब्रेरी है कहाँ की? चाइना की। लोकेटेड करती है ये कहाँ? लोकेटेड करती है बीजिंग में। कहाँ लोकेटेड है ये? बीजिंग में। इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये कैसी है? नेशनल लाइब्रेरी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, विथ ए कलेक्शन ऑफ अवर 31.1 मिलियन एटम्स, और ये कवर करती है कितने एटम्स को? 31.1 मिलियन एटम्स को। इट इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया, और ये कैसी है? लार्जेस्ट लाइब्रेरी है कहाँ की? एशिया की। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये कैसी है? एक वर्ल्ड की भी लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। नेक्स्ट है द न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। द न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी सिचुएटेड इन, अब ये देखो न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी है, और ये सिचुएटेड करती है कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी में। ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। इज द सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन यूनाइटेड स्टेट, और ये क्या है? दूसरे नंबर की क्या है? लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी है यूनाइटेड स्टेट की। इट हैज कवर 50 मिलियन एटम्स, और ये क्या करती है? 50 मिलियन एटम्स को कवर करती है। इट इज अ कलेक्शन एंड इज एन इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड, और ये कैसी है? इसका कलेक्शन बहुत ही इंडिपेंडेंटली मैनेज किया गया है। नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन और ऑपरेशन विथ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंसिंग, और ये क्या है? इसको फाइनेंसिंग का भी ऑपरेटिंग किया जाता है, प्राइवेट से भी और पब्लिक फाइनेंसिंग से भी। सेवन्थ और एट क्या करना है? आपको ही इसके क्लूज राइट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बी, रीड द क्लूज अबाउट सम फेमस बुक्स फाउंड इन लाइब्रेरी एंड राइट देयर नेम। अब देखो ये फेमस बुक्स है, ये कहाँ पर है? कहाँ से लिए गए हैं? लाइब्रेरी से। तो आपको इस क्लूज को रीड करना है, और उस बुक्स के क्या करने हैं? आपको नेम राइट करने हैं। आई थिंक आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।